वेलकम। एलजेब्रा के इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। एलजेब्रा में फॉर्मूला एक दिन डिटेल में हो चुका, उसका फॉर्मेशन आप समझ चुके, एप्लीकेशन शुरू हो चुका, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों को एलजेब्रा में दिक्कत होती है, उन्हें बार बार ये महसूस होता है कि ये कैसे क्या हो जाता है और कब क्या ले लें। जब वो ध्यान देंगे, फॉर्मूले का नेचर उनको समझ में आएगा, तो बातें भी समझ में आने लगेंगी। ये बच्चों का वीडियो गेम टाइप का है, कुछ हथियार पकड़ा दिए गए, किसको कब चलाना है। आप देखते हैं छोटे बच्चे कितने पारंगत हो जाते हैं। अगर हम लोग उसमें हस्तक्षेप करने जाए, बोले ये वाले गन से मार देते हैं दुश्मन को, तो बच्चा हंसता है कि अरे अरे, इस एनिमी को मारने के लिए आपने इतना बड़ा गन लगा लिया, इसमें तीन तीन गोली छूटती है, बर्बाद हो गया, बड़ा एनिमी आएगा तो कौन सा चलाएंगे, अरे इसके लिए तो एक गोली वाला ही काफी था। देखिए देखिए देखिए, ये जो बच्चा बोल रहा है 100% सही बोल रहा है। बात यही है, कहां पर कौन सा हथियार चलाएं ये आपको तय करना है, ये आपको सोचना है। हथियार, फॉर्मूला, गन वही है, किसको कब कब चलाएं, क्या करें। देखिए, कुछ फॉर्मूले का नेचर है, आप थोड़ा समझिए। क्वेश्चन बनाने के पहले मैं बात करता हूं, हमें साइक्लिक चाहिए। ए बी सी तीनों आता है तो हम किसी एक्सप्रेशन को ए बी सी तीनों के रूप में लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, तो नीचे ए प्लस बी ना रहे, ए प्लस बी प्लस सी कैसे हो जाए। मान लीजिए कहीं पर भी लिखा हुआ ए बाई बी प्लस सी, बी बाई सी प्लस ए, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ऐड करना है। हम लोग को समझिए कि अगर हम लोग प्लस वन कर दें तो ऊपर आ जाएगा ना ए प्लस बी प्लस सी बाय बी प्लस सी, ऊपर आ जाएगा ना ए प्लस बी प्लस सी बाय सी प्लस ए। देखिए देखिए देखिए, हम लोग साइक्लिक बनाना चाहते हैं। साइक्लिक बनाने से सॉल्व करने में सहूलियत होती है। आप ये भी जानते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ठीक है, ये बीच में टू ए बी होता है, आप जानते हैं। अगर यहीं पर कहीं लिखा रहे ए माइनस बी होल स्क्वायर तो आपको पता है ना बीच वाला टू ए बी कैंसिल हो जाएगा। बोलिए, आप जानते हैं कि एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर होने पर क्या होगा। देखिए, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर तो होता ही है, ये बीच वाला जो है प्लस टू ए बी, इससे एक्स गायब हो जाता है और ये बचता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। ये बड़े काम की चीज है, अक्सर इसका इस्तेमाल होता है, अक्सर। यहां माइनस है तो माइनस टू बचेगा, ये प्लस टू, यहां पर माइनस है तो माइनस टू बचेगा। तो सॉल्व करते करते आपको समझ में आने लगेगा कि दरअसल ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए ना एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर हो गया, साथ में कुछ प्लस माइनस टू है जिसका कि इस्तेमाल होगा। जैसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आप बनाएंगे इस तरह के, आपको उनका नेचर समझ में आने लगेगा कि कब किस एनिमी पर कितनी गोली छूटने वाली गन को चलाया जाए। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, If x square plus y square plus 1 by x square plus 1 by y square equals 4, then x square plus y square is equal to what? तो कुछ कहता है, क्या कहता है? आप जरा सोचिए। अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये x square plus 1 by x square है, अगर एक तरफ ले आए, y square plus 1 by y square है, इसका भी ग्रुपिंग कर दें तो इज इक्वल टू फोर है ना, इज इक्वल टू फोर। मान लीजिए कि हम लोग फोर को इधर ले आए तो माइनस फोर हो जाएगा ना, और अगर हम माइनस टू लिख दें, क्यों लिख दें, समझ रहे हैं क्या है ये? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, यानी लाइक दैट, ऐसे, और बीच में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ये लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। तो वैसे ही इसको भी, यहां जीरो बचेगा, वाई स्क्वायर
माइनस टू इंटू वाई इंटू वन बाई वाई तो लिख ही सकते हैं, इसी के लिए तो दिया है। जरा गौर कीजिए, इस फोर को इधर ले आए, माइनस टू करके दोनों जगह अटैच कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, इसका वैल्यू हो गया x माइनस वन बाई एक्स होल स्क्वायर, और ये भी y माइनस वन बाई वाई होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखिए दो एक्सप्रेशन जो है उसका जो सम है वो जीरो है, और दोनों स्क्वायर है, एंड स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। किसी भी नंबर का स्क्वायर जीरो या जीरो से बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा, पर ये जीरो है। ये जीरो तो तभी हो सकता है जब ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब पहला वाला भी जीरो और दूसरा वाला भी जीरो, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। देखिए नहीं समझे, अच्छा करके दिखाता हूं। एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स उधर गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। उसी तरह से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। हम लोगों से क्या पूछा है, क्या पूछा है, क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा पूछा है। तो एक्स स्क्वायर भी वन है, वाई स्क्वायर भी वन है, टू आंसर। बोलिए टू आंसर फर्स्ट वाला, समझ में आया। जैसे जैसे इस तरह के क्वेश्चंस बनाएंगे आपको समझ में आने लगेगा, ले दे करके वही तो कुछ लिमिटेड है, उसी को तो इधर उधर करना है, सोचना है, तो वीडियो गेम टाइप का मजा आएगा। मैंने इसीलिए चार पांच क्वेश्चन लिए, देखिए ना सब में ऐसा ही कुछ ना कुछ करना है। थोड़ा इसको गौर कीजिए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो निकालना है वन बाय एक्स प्लस वन, वन बाय वाई प्लस वन, वन बाय जेड प्लस वन। तो आप सोचिए पहले, जैसे पहला वाला है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, ऐसा ही सेकंड भी है, थर्ड भी है। तो हम लोग क्या करें, साइक्लिक बनाना जरूरी है, यानी कि हम लोग अगर दोनों तरफ x ऐड कर दें तो कितना सुंदर हो जाएगा। देखिए तो देखिए देखिए साइक्लिक हो गया ना, दूसरे जगह भी ऐसे ही आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, तीसरे जगह भी ऐसे ही आएगा, और यहां पर अगर हम लोग x कॉमन ले लें तो ये बचेगा कि नहीं, थोड़ा समझिए पहले। और ये वन बाई एक्स यहां पर ले आए तो यहां पर क्या हो जाएगा, x बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही चाहिए था ना हम लोगों को, समझ में आया। ऐसे ही सॉल्व करेंगे, देखिए x है 1 बाई एक्स प्लस वन है, तो आगे करने की जरूरत नहीं है, यही वाला x है और x प्लस वाई प्लस जेड। यानी कि अगर हम लोग y प्लस वन सेकंड वाला को इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो आएगा y बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसी तरह से, और अगर हम लोग 1 बाई जेड प्लस वन को सॉल्व करेंगे तो जेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा कि नहीं। तीनों को ऐड कर देंगे तो वही निकालना है, तीनों को ऐड कर देंगे, देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो नहीं होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। और यहां तो आपको मालूम है 1 बाई एक्स प्लस वन, 1 बाई वाई प्लस वन, 1 बाई जेड प्लस वन, और ये क्या हुआ, 1 आंसर, 1 आंसर। समझने का प्रयास कीजिए, जो भी हम लोगों को निकालना है वहां तक जाना है, कैसे जाए। तो एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस जेड है, ऐसे ही तो नेचर है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स, ऐसा ही नेचर है ना, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो ये कुछ देगा देगा, इसलिए पहले वाले को हमने उठाया और सोचा साइक्लिक कैसे हो जिसमें एक्स वाई जेड तीनों आ जाए ताकि हर जगह आ सके। तो हम लोग को नजर आया एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स ऐड कर दें तो यहां भी हो जाएगा, उसी तरह से वाई स्क्वायर वाले में वाई ऐड कर दें तो एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, दोनों ओर जेड ऐड कर दें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और फिर जो हमको चाहिए वो ले आएंगे, इसको नीचे लाए इसको नीचे लाए। देखिए अगला सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जैसे ये निकला वैसे ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, समझ में आया। इसके बाद आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड देखिए क्या दिया, पहले देखिए इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, देन व्हाट इज, क्या
एडी माइनस बीसी का होल स्क्वायर प्लस एसी माइनस बीडी का होल स्क्वायर। देखिए देखिए थोड़ा, ये थर्ड नंबर में एडी माइनस बीसी का होल स्क्वायर है और प्लस प्लस एसी प्लस सी बीडी का होल स्क्वायर है। ये हमें चाहिए ठीक है, ये हमें चाहिए। ये वैल्यू दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू, ये दिया है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वन, ये बताता है कि हमारे एक्सप्रेशन में ये आएगा, यानी हम लोग इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लाएं। तो क्या लाएं? देखिए ना, ये जो होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो कैंसिल्ड है। देखिए ए सी बी डी ट्वाइस ए बी सी डी, ए डी बी सी ट्वाइस ए बी सी डी, माइनस टू और प्लस टू, माइनस टू ए बी सी डी प्लस टू ए बी सी डी तो कैंसिल है, वो तो पहले से मालूम है, बिना ज्यादा लिखे हुए आप लिख सकते हैं। देखिए शॉर्ट में लिख सकते हैं, ये बीच वाला तो कैंसिल, ये ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर। आप सोचिए कि ये जो है दोनों, इसमें हम लोग ए स्क्वायर को कॉमन ले लें, बता दूंगा कैसे, तो बचेगा क्या सी स्क्वायर प्लस प्लस डी स्क्वायर, और इन दोनों में बी स्क्वायर को कॉमन ले लें तो बचेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन आया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ कि नहीं, इसका वैल्यू है टू, इसका वैल्यू है वन, इज इक्वल टू टू आंसर। मैं करके दिखाता हूं, ठीक है, असल में शॉर्ट में जब आप समझ जाएंगे ना तो ऐसे ही करना है, इसलिए मैंने ऐसे किया। ये क्या है देखिए, सबसे पहले ए, मतलब नहीं समझ में आ रहा तो चलिए ऐसे लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी सी डी हो जाएगा ना, प्लस बी प्लस सी, बी इंटू सी होल स्क्वायर, बी सी होल स्क्वायर, प्लस फिर देखिए ए सी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी सी डी प्लस बी डी होल स्क्वायर। देखिए वाला कैंसिल, इन दोनों से हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, प्लस इन दोनों से भी हमने कॉमन ले लिया, इसके बाद तो समझ में आ ही रहा। जैसे जैसे कुछ क्वेश्चंस आप बनाते जाएंगे आपको इनका नेचर समझ में आता जाएगा, और एक बार जब मन लग जाएगा तो अलजेब्रा में बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन एग्जाम के आप हंसते हंसते बनाएंगे। फोर्थ नंबर, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी, देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वॉट, ये पूछा है। इसको क्या करें क्या करें, थ्री बहुत कुछ बोलता है, थोड़ा सोचिए तो, थोड़ा सोच मैं पहले लिख देता हूं, थोड़ा सोचिए तो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है, प्लस थ्री क्यों दिया है भाई, ये थ्री कुछ कहता है, ये थ्री कुछ कहता है। आप मुझे बताइए, टू इंटू ए होगा ना, टू इंटू बी होगा ना, टू इंटू सी होगा ना, और ये ए स्क्वायर भी है ना, बी स्क्वायर भी है ना, सी स्क्वायर भी है ना। थोड़ा देखिए तो, ए स्क्वायर है ना प्लस इधर ले आए तो माइनस टू ए होगा कि नहीं, माइनस टू ए होगा कि नहीं, उसी तरह से बी स्क्वायर है तो माइनस टू बी होगा कि नहीं, सी स्क्वायर है तो माइनस टू सी होगा कि नहीं, होगा ना इधर आके, तो इधर क्या बचेगा, सबको इधर ले आएंगे तो ठीक है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये सबको इधर ले आई तो क्या बचेगा, फाइनली इज इक्वल टू जीरो, दिस प्लस दिस, और ये थ्री है ना, इसको हम यहां लिखते हैं वन वन वन, कुछ दिखता है, कुछ दिखता है, इसको क्या लिख सकते हैं, टू इंटू ए इंटू वन, टू इंटू बी इंटू वन, टू इंटू सी इंटू वन स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, कुछ दिखता है, ए माइनस वन होल स्क्वायर, बी माइनस वन होल स्क्वायर, सी माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल जीरो। अभी तुरंत दो बार इसका इस्तेमाल हो गया, हम जीरो लाना चाहते हैं, इक्वेट करना चाहते हैं, और स्क्वायर्स होने से बहुत सुविधा होती है, किसी भी नंबर के का जो स्क्वायर निकालेंगे वो नेगेटिव नहीं होगा, वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा, और जीरो आना तभी है जब तीनों जगह पर जीरो आए, क्योंकि जीरो या जीरो से बड़ा ही आना है, छोटा तो आना है नहीं, कि यहां प्लस आ गया माइनस होगा कट जाएगा।
मिनिमम वैल्यू है इनके अंदर का जीरो, यानी ए माइनस वन इक्वल जीरो, बी माइनस वन इक्वल जीरो, सी माइनस वन इक्वल जीरो. दैट मीन्स की ए इज इक्वल टू वन, दैट मीन्स की बी इज इक्वल टू वन, दैट मीन्स की सी इज इक्वल टू वन. और हमें निकालना था ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, वन प्लस वन प्लस वन, थ्री इज आंसर. बोलिए ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है, मिटाऊं? इसके बाद हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए. दिया हुआ है कि x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू फाइव, और हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर. ये तो बहुत आसान लग रहा होगा. ये सारे क्वेश्चंस एसएससी में आए हुए हैं, डिफरेंट एक से अधिक वर्षों में आए हुए हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं. हम लोग आगे भी और बनाएंगे. इसको देख लीजिए, अगर हम लोग इसका होल स्क्वायर करें, होल स्क्वायर दोनों होल स्क्वायर कर दें. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा करने से जो हम चाहते हैं वो आ जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी अभी आप देख चुके थे थोड़ी देर पहले, 25, देखिए ये वाला कैंसिल, 2 उधर गया, खत्म. आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 2, यानी 27 आंसर. बोलिए अलजेब्रा का ये सेशन कैसा लगा? हम तो इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे. आपका कमांड तो मैं दिलाकर रहूंगा, इसके लिए रेस्ट अश्योर. ऑल द बेस्ट.